तो दोस्तों यहां पर मैं गया था रिस्ट ट्रैक पे फाइनली टेस्ट करने 2025 की एथर 450X को। और यहां पे एथर का ये क्लेम है कि ये बाइक ऑफ स्कूटर्स है, तो क्या एथर के क्लेम यहां पे सही है? और जो नई एथर आ रही है 2025 के लिए 450X, क्या ये वाकई में एक सॉलिड प्रोडक्ट यहां पर होता है और क्या नया किया है, इसके बारे में चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि रेस ट्रैक पे ले जाने का मतलब ये था कि एथर का ये क्लेम है कि ये बाइक ऑफ स्कूटर है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं उनको इलेक्ट्रिक को लोग प्रॉब्लम समझते कि यार ये कमजोर है, ये वीक है, कहां ले पाएगा। लेकिन एथर का क्लेम है कि आपको बाइक की जरूरत नहीं है, जो काम एक बाइक के थ्रू आप करते हो, जिस पोजीशन में आप एक बाइक ले जाते हो, वो सारी की सारी चीजें हमारा एथर का 450X कर देगा। हालांकि एथर 450X एक स्पोर्टी स्कूटर है, इसकी फ्रेम भी काफी स्ट्रॉन्ग है, ये काफी ज्यादा टफ एंड टफ भी है। एथर 450X को डिजाइन किया गया यंगस्टर को ध्यान में रख के कि किसी को अगर यूटिलिटी के लिए भी चाहिए लेकिन उसे पावर भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए और रफ एंड टफ किसी भी रोड पे चला ले तो उसके लिए, और इसी वजह से इसे बाइक ऑफ स्कूटर कहा गया। अब एथर 450X की खास बात है कि यहाँ पे आपको मोटर है वो ज्यादातर स्कूटर्स में आज भी टायर से अटैच रहती है, लेकिन इसके अंदर मोटर को डायरेक्टली फ्रेम से अटैच किया गया है और बैटरी पैक सेंटर में होने की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहती है, वो यहाँ पे नीचे आ गया। हालांकि इसका फ्रेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन चारों तरफ जो बॉडी है वो आपको अभी भी प्लास्टिक की देखने को मिलती है, लेकिन फाइबर के होने के साथ साथ ये थोड़ी रफ एंड टफ भी है, क्योंकि हाँ यहाँ पर इसको हमने गिरा के थोड़ा टेस्ट वगैरह करके देखा तो रफ एंड टफ बिल्ड वगैरह कंपैरेटिवली जो दूसरे स्कूटर से मार्केट में उनसे बेटर है। इवन एक और स्पेशलिटी देखी कि एथर स्कूटर जब आप सड़क पे रोड पे चलाते हैं ना तो उसको चलाने में एक अलग ही ग्रिप, एक अलग ही कॉन्फिडेंस लगता है, क्योंकि ये हाई स्पीड पर भी काफी ज्यादा स्टेबल रहता है। और हाँ, इसको लेके कहीं जगह चढ़ाया गया, कहीं जगह स्टंट वगैरह भी करे हमने और अलग अलग चीजें ट्राई करी, जिसे देख के कंफर्म होता है कि एथर इसे डायरेक्टली बाइक ऑफ स्कूटर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि 150 सीसी की जो बाइक होती है ना उनसे इसे डायरेक्टली यहां पे कंपीट किया जाता है, जहां पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स ले ले। लेकिन बात करें तो सारी चीजें पुराने एथर 450 में भी थी, लेकिन 2025 में ऐसा नया क्या किया? सबसे पहले तो दो नए कलर ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड किया गया, जिसमें से एक कलर है आपका स्टेल्थ ब्लू और एक होता है हाइपरसेंट। इसी के साथ ही परफॉर्मेंस में आपको मल्टी मोड ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा। यस, ये एथर 450X और जो 450 एपेक्स आता है उनके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे तीन मोड रखे गए, रेन, रोड और रैली। देखा जाए तो हर एक कंडीशन के हिसाब से आपकी गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है कि आप इसे किसी भी सिचुएशन में चला सकते, किसी भी रोड कंडीशन में चला सकते, ऑफ रोडिंग में चला सकते, इवन कीचड़ में चलाना है वहां पर भी, और कितना भी पानी हो वहां पर भी अगर आप चलाएंगे तो आपको सॉलिड राइडिंग का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। ये चीज मैंने खुद ने देखी और खुद ने यहाँ पे इसको टेस्ट भी किया था। इसके साथ इसको कंट्रोल किया जाता है फ्रंट और बैक के टायर की स्पीड्स को मैच करके, क्योंकि यहाँ पे सेंसर्स लगे और वो ये कैलकुलेट करते हैं कि आगे का टायर पीछे के टायर की स्पीड सेम हो, अगर आगे के टायर की स्पीड अलग पीछे की अलग होगी तो आपकी गाड़ी स्किड हो सकती है, बारिश के सीजन में आप कहीं गिर भी सकते हो, अलग अलग चीज होती है और आमतौर पे बाइक्स वगैरह में चीज प्रॉब्लम आती है। हालांकि ये ABS यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको अलग चीजें इधर देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही एथर ने लास्ट ईयर अपने एपेक्स स्कूटर में मैजिक ट्विस्ट किया था, जिसका मतलब यहाँ पर ये कि एक जो थ्रॉटल रहता है ना उसे आपको थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पे करना पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पर क्या रहता है, जो स्कूटर होता है ना वो यहाँ पे डायरेक्टली आपको स्लो होता है। बेसिकली बात की जाए तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग का सिस्टम है मैजिक ट्विस्ट, जिसके अंदर आप अपने थ्रॉटल को आगे की तरफ यहाँ पे घुमाते हैं और आपकी गाड़ी धीरे धीरे यहाँ पे स्लो होकर आप इसे रोक भी सकते हैं। हालांकि ब्रेक्स यहाँ पे लगाना जरूरी, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए काफी ज्यादा सुटेबल रहता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे ऐसी रहती जहाँ पे मैजिक ट्विस्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करता है। सबसे पहली बात, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग को काफी ज्यादा एडवांस ले गया है और ऊपर से आपकी गाड़ी धीरे धीरे यहाँ पर स्लो होती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि बाकी जितने भी दूसरे स्कूटर्स होते हैं उनके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग तभी काम करती है जब 90% से नीचे बैटरी हो, लेकिन यहाँ पर जो एथर का मैजिक ट्विस्ट है ये किसी भी लेवल की बैटरी पे, इवन 100% बैटरी हो तब भी आप मोटर ब्रेकिंग का यूज करके अपने स्कूटर को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने करी कि वो करा कि इसके टायर्स के अंदर चेंजेस करे, MRF कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके स्पेशल टायर्स को डिजाइन किया है जो एक्सक्लूसिवली एथर के पास ही है। और इन टायर्स के साथ ये कि बेटर स्टेबिलिटी, बेटर ग्रिप के साथ साथ आपको बेटर एफिशिएंसी मिलेगी, यानी कि कहने का मतलब है कि नए टायर्स की बदौलत आपको बेटर रेंज देखने को मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पर रेंज वगैरह के बारे में बात कर रहा था तो यहाँ पे एक अच्छी बात बता सकता हूँ, ट्रू रेंज होती है वो इंक्रीज हो गई है, जो 2.9 किलोवाट आवर वाला मॉडल आता है उसके अंदर इको मोड के अंदर 105 किलोमीटर की रेंज अचीव कर
सकते हैं। और जो 3.7 किलोवाट आवर वाला मॉडल आ रहा है उसमें स्मार्ट इको के अंदर आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं 130 किलोमीटर की रेंज। यस, ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से करी है एथर ने। यहाँ पे काम किया अपनी रेंज इंप्रूवमेंट के अंदर जो आपको नए 2025 के मॉडल्स मिलेगी। और एक काम सबसे अच्छा है कि जो इको मोड के अंदर जो मैक्सिमम रेंज आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं वो यहाँ पे आपकी 100 किलोमीटर के ऊपर जा रही है, जो बहुत ही सही चीज है। देखा तो इससे कॉम्पिटिशन के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। और हाँ, एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की स्पेशलिटी है कि इनका रेंज प्रेडिक्शन कंपेयर टू अदर्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। अगर 100 किलोमीटर आपके डैशबोर्ड पे दिखा रहा है तो उतनी किलोमीटर की रेंज यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं। और हम मैजिक ट्विस्ट वगैरह का यूज करेंगे तो आप इससे ज्यादा रेंज भी यहाँ पे निकाल पाएंगे। इसके साथ ही ओवरऑल बात किया तो चलाने में काफी ज्यादा स्टेबल है। हालांकि बात किया तो मेरे को थोड़ा सा इशू आया था, वो आया था क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट के ऊपर है और जो स्कूटर है ये आमतौर पे अंडर 6 फीट जिन लोगों की हाइट है उनके लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो बेसिकली मेरे घुटने वगैरह साइड में थोड़ा टकरा रहे थे, लेकिन कोई भी इंसान अगर एवरेज हाइट का है उसके लिए स्कूटर काफी ज्यादा परफेक्ट है। मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट होना पड़ा। और एथर को मैं फीडबैक भी देकर आया कि अपकमिंग जो भी स्कूटर ये लोग यहाँ पे निकाले उसको लंबे लोग के हिसाब से थोड़ा डिजाइन करे तो एक बेटर चीज है। यहाँ पे आपको एथर स्टैक 6 है जिसमें आपको गूगल मैप देखने को मिलता है, एलेक्सा का इंटीग्रेशन है। इसके साथ ही मोबाइल फोन की ऐप में भी इंप्रूवमेंट की गई है जहाँ पे आपको पिंग में स्कूटर देखने को मिलता है। आप अपनी स्कूटर की लोकेशन देख सकते हैं, कहीं भी स्कूटर है तो उसे आप पिंग कर सकते हैं, उसका हॉर्न बजा सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह होंगी वो आप अपने स्कूटर के डिस्प्ले पे देख सकते हैं। अभी भी एथर 450x के अंदर आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके साथ ही लाइव लोकेशन शेयरिंग भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही ई सिम कनेक्टिविटी के साथ आता है स्कूटर। और कहीं भी आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को ले जाएंगे तो आप इसे आसानी से यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और हाँ, इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी प्रॉमिस की गई है। 450x के अंदर आपको अपडेट देखने को मिलती है ओवर द ईयर, जिसमें एथर स्टैक के नए फीचर्स, नए यूआई, नई चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी इन द फ्यूचर अपकमिंग अपडेट्स में। बात करें ज्यादातर लोग के लिए एथर 450s काफी अच्छी चॉइस बना सकता है। 450s वाले की प्राइस होती है 1,29,999 से स्टार्ट है और 450x जो 2.9 किलोवाट आवर वाला वर्जन है वो स्टार्ट होता है 1,46,999 से। और 450x का 3.7 किलोवाट आवर वाला मॉडल स्टार्ट होता है 1,56,999 से। इसके साथ ही कुछ बातें और, यहाँ पे आपको प्रो पैक के लिए अलग से पैसा देना पड़ सकता है जिसके अंदर इस स्कूटर के कुछ फीचर को अलग से इनेबल किया जाता है। ओवरऑल एथर के बारे में बात बता सकता हूँ, एथर जैसी कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, रिलायबल बनाती है, ड्यूरेबल बनाती है। अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी, रफ एंड टफ ड्यूरेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए तो एथर के ऊपर जा सकते हैं। इसी वजह से इनके स्कूटर्स की प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा रहती, थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन बदले में शोरूम का एक्सपीरियंस ले ले, सर्विस का एक्सपीरियंस ले ले, ओवरऑल प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ले ले, वो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है, जिस कारण से एथर की रिलायबिलिटी कंपेयर टू अदर्स काफी ज्यादा है। इवन एथर का अगर आप वर्ड ऑफ माउथ किसी भी कस्टमर से पूछेंगे तो इसके आपको कंपैरेटिवली दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड के कंपैरिजन में आपको पॉजिटिव रिव्यूज ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कुछ और चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे इनकी 870 वारंटी। देखा जाए तो आमतौर पर इनके स्कूटर के अंदर वारंटी देखने को मिलती है 3 साल और 30,000 किलोमीटर की। यस, ये बिल्कुल सही चीज है, लेकिन बैटरी के अंदर ये लोग 5 ईयर्स की 60,000 किलोमीटर की वारंटी देते हैं। और इनका 870 प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको 8 साल की वारंटी मिलती है विथ 70% बैटरी हेल्थ। हालांकि बैटरी हेल्थ जो है वो यहाँ पे आप अपने खुद नहीं देख सकते हैं, आपको इसके सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा, वो लोग चेक करेंगे, उसके बाद आपको इसकी बैटरी हेल्थ पता चलेगी। और 8 साल के अंदर अगर इसकी बैटरी हेल्थ अगर 70% से नीचे हो तो ये आपको एक नई बैटरी यहाँ पर लगा कर देंगे। आमतौर पे इनके स्कूटर्स की बैटरी लंबी चलती है, लॉन्ग लास्टिंग चलती है और यहाँ पे आपको डीप डिस्चार्जिंग की प्रोटेक्शन भी मिलती है। इसके साथ ही चार्जर के बारे में बात करें तो हाँ, एथर यहाँ पे अपने स्कूटर्स में जो 2.9 किलोवाट आवर वाला है वहाँ पे 350 वाट का चार्जर और 700 वाट वाले चार्जर का भी ऑप्शन है। यहाँ पे 350 वाट वाले चार्जर से अगर आप चार्ज करेंगे तो 0 to 100 जाने में 8 hours 30 minutes लगेगा, लेकिन 0 to 80% जाता है 6 hours 30 minutes में। वही 700 वाट वाले चार्जर से स्कूटर को फुल चार्ज होने में 5 hours 45 minutes लगते हैं। और इनका एथर का ग्रिड भी है जहाँ पे लोग फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही बात करें तो हाँ, 450x के अंदर आपको स्मार्ट इको, इको मोड, राइड और स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलता है, इवन वॉप मोड देखने को मिलता है और जो एपेक्स है वहाँ पे आपको वॉप प्लस मोड देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो कोस्टिंग रीजन होता है वो आपके सभी स्कूटर्स में आता है। और एक चीज मैंने देखी कि यहाँ पे आप एज एन एक्सेसरी टीपीएमएस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साइड स्टेप भी इन्होंने एज एन एक्सेसरी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखा जाए तो ESS, फॉल सेफ जैसे फीचर, इवन जो ऑटो होल्ड, इनका काफी ज्यादा कमाल का फीचर है जिसके अंदर आप कभी भी किसी स्लोप पर चल जाए बिना ब्रेक लगाए अपनी गाड़ी को उसी डायरेक्शन में खड़ा रख सकते हैं, तो वो भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इन्होंने यहाँ पे इवॉल्व करी। ओवरऑल देखा है तो एथर का 450x को लेके मेरे क्या पर्सनल ओपिनियंस है। देखो, रेस ट्रैक पर गया, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से टेस्ट किया, स्पीड काफी अच्छी है, मैजिक ट्विस्ट इनका काफी अच्छा है। अगर आपको बार बार ब्रेक नहीं लगाने तो मैजिक ट्विस्ट से आप बहुत अच्छे
तरीके से गाड़ी निकाल सकते हो। ऊपर से ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट की अच्छी है और प्रोडक्ट फास्ट है, स्मूथ, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। हालांकि कमी ये है कि ये लंबे लोगों के लिए डिजाइन नहीं है और इसकी कीमत कंपटीशन में जो भी दूसरे स्कूटर है उनसे थोड़ी ज्यादा है। लेकिन बस बात यह कि ये एथर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े रिलायबल और बेटर क्वालिटी के रहते हैं, जिस कारण से स्कूटर्स को आसानी से दूसरे लोगों को रिकमेंड किया जा सकता है और इन द वर्ड ऑफ माउथ और होल्ड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि कंपनी अभी भी काफी ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे इवॉल्व कर रही है और जैसे जैसे इसे पॉपुलैरिटी मिलेगी इसका मार्केट शेयर मार्केट में इंक्रीज होता हुआ देख सकते हैं। और एक और अच्छी चीज देखिए कि ये अपने प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी एक से दो साल में नहीं बदलते, उसके अंदर रिफाइनमेंट लाते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म वही रखते हैं, चीजें वही रखते हैं और टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट को निकालते हैं। और बात करें इनके फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट की तो आने वाले समय में एक अफोर्डेबल स्कूटर भी निकाल रहे हैं। और अभी एथर 450x को बाइक ऑफ स्कूटर भी कहते हैं लेकिन हमें ये भी कंफर्म हो गया कि एथर अपनी खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक पर भी काम कर रहा है, तो वो एक देखने वाली बात होगी किस टाइप का किस तरीके का नया प्रोडक्ट यहाँ पे रहता है। ओवरऑल बात करें तो एथर 450x काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे प्रोडक्ट लगा। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके उसकी रेंज इंप्रूव करें, नए टायर्स डाले, कुछ नए फीचर्स डाले और नए कलर के साथ आपको 2025 में प्रेजेंट किया जा रहा है। काफी अच्छा लगा है, मार्केट तेजी से इवॉल्व हो रहा है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में एथर की तरफ से और क्या क्या नए नए प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यार ये थी कहानी एथर 450x 2025 के बाइक ऑफ स्कूटर्स की। आप लोग कैसे लगा नीचे कमेंट बताओ। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।